बहुत आनंद खूब आनंद करी। ज्यादा आत्मा परमात्मा और ये सब पर नहीं रही, मगन रही, वो हर सांसों में है। मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास रहूं। खोजी होई तो पल भर में मिल जाइए। पल भर माने, अरे पल केकरे बोलल जानल है जी, पंजी हरी सब चलता वास्ते ही तो हो गया। अब का करे, दोहरा देखा तो अरे बात कहीं ये हो जाते भाई, बहुत आनंद हो। अरे कैसे हो जाते भाई, तद्भावे भाभी। इसी को कहते हैं कि हम तुम्हारे रंग में रंगे हैं, तुम हमारे रंग में रंगे हो। सिर्फ भाषा नहीं कहते हैं, जिंदगी में जीते हैं, उसको अनुभव करना। देखो ना, जैसे तुम लोग के साथ बोलते थे, तुहरे सब बोले लगे, तुहरे भाषा बोले, जबकि जमाना हो गया ना भाई, बहुत आनंद। हाँ, वो को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। बड़ी सुंदर भाषा है। खोजी हुई तो पल भर में मिल जाइ, खोज कहीं था तो अब एक पल में मिल गया कि नहीं, वहीं से दिख गया कि नहीं, एक पल में, और अभी एक पल में। खोजी हुई तो पल भर में मिल जाइए, और भी पास, जितना पास, ये भी तो दूर है। ये संस्कृत किए हैं ना कि बाबा को छूना नहीं है, दूर रहना है, सर है, तो ठीक है, उनका भी बात का मर्यादा रखिए, एक लौकिक है, ठीक है ना। अब सबको एक साथ अगर छूओगे तो थोड़ा मुश्किल होगा ना भाई, धक्का धुक्की होगा, फिर वहाँ शांति भंग होगा। उस शांति को ये रखने के लिए, इसीलिए उसका रहस्य हम बताते हैं कि जहाँ भी तुम लोग रहो, मेला में रहो, झमेले में रहो, अकेला में रहो, घर में, गृह में रहो, परिवार में रहो, संसार में रहो, जिस हालत में भी रहो, अपने सद्गुरु को रोको, कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास मैंने हर एक के लिए, हर एक को कह रहा हूँ, हर एक के पास, मैं तो तेरे पास रहूँ। कितना पास? खोजी हो तो, खोजी हो मैंने, अगर सच में प्राणों से खो जाए तो हर सांसों की सांस में, जैसे हैं हर सांसों की सांस, जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे हृदय में समा जाता हूँ और तुम्हारे अंदर संचारित हो जाता हूँ, और सत का थोड़ा सा प्रकाश देता हूँ, चित्त की थोड़ी रोशनी होती है, और थोड़ा आनंद के तरंग से तुम्हारे अंदर एक तरंग, एक लहर उठती है। जब भी तुम्हारे अंदर एक लहर जैसा फील हो, समझना मैं आ गया, और तुरंत अब खुद, लेकिन जिधर तय फिर उधर से निकल जाता हूँ, क्योंकि एक ही जगह रुकूंगा तो फिर बाकी भी तो है ना मेरे, सब हमारे, हम सबके हैं। तुम मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास रे। खोजी हुई तो पल भर, पल माने जानते हो, पल माने ऐसा समझो, तुम लोग का पलक झपकता है ना, ऐसा समझो, ऐ कितना देर पलक। खोजी हुई तो पल भर में मिल जाऊँ, हर सांसों की सांस, बस इतना सोच लेना कि सांस अगर तुम्हारा चल रहा है तो बाबा जी का आना जाना लागू है, और क्या चाहिए बोलो। अब ये मंदिर में आश्रम में आना जाना, ये तो बहुत दूर तो बता है, बाबा जी चले गए एक साल के बाद में आए, चले गए बाबा जी पटना, उससे बात केस पर केस चलता रहता है। लेकिन ये वाला अगर लागू कर दोगे तो पटना वो एकदम, पटना वो आप लोग और दोस्त नहीं दोगे, क्योंकि बाबा जी खुद अपने मुँह से बोल दिए कि हर सांसों के साथ। और तुम मेले में रहो, चाहे झमेले में रहो, चाहे अकेले में रहो, हर सांसों के साथ हमेशा जाना आना लागू है, क्या समझो। हाँ, बस इतना है कि जब तुम्हारे तुम सांस लेते हो तो तुम्हें सुख शांति और आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है। और जब तुम सांस छोड़ते हो, इसलिए देखते हो ना, जब आदमी सुखी होता है तो गहरे सांस को इंजॉय करता है, मैंने खूब इंजॉय करता है, लेकिन जब दुखी होता है तो तू पार बोलिस ना, कब क्या हो जाता है, जैसे तुम्हें सब भाषा समझते हैं, कहाँ किसको इशारा कर दे, समझदार के लिए इशारा काफी है, हमारे संगत करके थोड़ी बुद्ध है कोई, है तेरी खाली बुद्ध बनने में बाकी है, लेकिन वो थोड़ा दुर्लभ है, बुद्ध भी नहीं और बुद्ध भी नहीं है, मध्य में, क्या अरे भाई थोड़ा देर के लिए आए हैं, जी भर के आनंद कर लो, आनंद है जो कि ये आनंद का दरबार है, यहाँ पर आनंदित हो क्या ना, जैसे ही गेट के पास आ जाना वहीं से आनंदित हो जाना, बस खूब आनंदित होना, कोई कितना ही चेहरा मुँह लटकाए रहे, चिंता मत करना, किसी का नकल मत करना, बस आनंदित कोई है बस तुम भी आनंदित हो जाओ, आनंद से प्रवेश करो, चित्त की किरणें तुम में समा जाएगी और सत्य है कि कृपा तुम पर हो जाएगी, ये तीन ही तो काम है। आनंद, आनंद बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। इसलिए ये दरबार को पूरा चार्ज किया गया है कि अंदर आते साथ
ये मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को खुद पता है कि जब गेट के बाहर रहते हैं तो आपका दुनिया कुछ और रहता है, और इसके अंदर आ जाते हैं तो आप लोग के अंदर परिवर्तन आ जाता है। ऐसा आप महसूस करते हैं कि नहीं? नहीं, हमारे हाँ में हाँ मत मिलाइए, हम थोड़ा इधर देख रहे हैं, बोलिए। ठीक है, हो सकता है बाबा जी देख रहे हो तो थोड़ा हाथ उठा लीजिए। ये तो कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी है कि हाथ उठाओ कौन कौन मेरा पार्टी में, ऐसा नहीं है क्या? समझे, यहाँ सब अपने हैं, समझे? मतलब बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। चलो आज कुछ भी नहीं कहूँगा, बोला मेरा ऐसी होता है, नहीं में हम हाँ हो जाते हैं और हाँ में हम नहीं हो जाते, क्या समझे? बहुत आनंद है, खूब आनंद करो, खूब मगन रहो, और जब भी सांस चल रहा है समझो बस आना जाना उनका लागू है, जिनका परमात्मा का आना जाना लागू है। सांस अगर अंदर जा रहा है तो वो आ गए, सांस को अगर नाभि तक का ले जाओगे तो तुमने उनको कर्म क्षेत्र में स्थान दे दिया, सांस को अगर हृदय तक ले जाओगे तो भक्ति क्षेत्र में उनको स्थान दे दिया, सांस अगर कंठ तक चला गया तो तुम ज्ञान क्षेत्र में उनको स्थान दे दिया। अब जहाँ भी उनको स्थान दोगे वो तो पावरफुल है, वो जगह को चार्ज कर लेगा। तो थोड़ा क्रिया योग की बात हो गई, नाना तरह के पात्र हैं, इसलिए कब किसी के लिए कौन सा भाषा हो जाता है, जिसको जो बात समझ में आ जाए ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बात हर कोई समझ लेगा, ठीक है ना? पांच उंगली तो बराबर नहीं है ना, और एक ही टाइम में रह के लोअर के जी से लेकर के और क्या एम ए तक का क्लास करना पड़ रहा है और एक ही साथ साथ बैठा हुआ है, इसलिए हर तरह का सब्जेक्ट हो रहा है, बहुत आनंद है। जिसको जो बात समझ आ जाए अच्छा है। अच्छा, मैं बिना स्पीकर का स्पीकर हूँ ना, सब सुन रहे हैं ना? अब ठीक है। अरे भाई, इस पर ज़्यादा मत जाना है, क्या समझे? बहुत लोग चेहरे से तो ऐसा हो गया लेकिन जब आवाज़ निकलती है तो 16 से 21 में चले जाते हैं, क्या पता आप लोग का ही बोला हुआ बात है, हमको तो नहीं, हमको नहीं पता है, क्या पता। हर मुक्त हमेशा 16 से 21 रहता है, और जो हर संसारी में जुप्त है वो तो बचपन में बूढ़ा हो जाता है, समझाया? मतलब बचपन में बुढ़ापा का छाप आ जाता है, क्योंकि जो लोग भी उस परम तत्व को प्राप्त कर जाते हैं वो हमेशा वो वर्तमान थे, वर्तमान है और वर्तमान रहते हैं, समझाया? मतलब चोला में फर्क आ जाए लेकिन उसकी जो अंतर की जो ये है वो वही 16 से 21 का रहता है, 16 कला में पूर्ण रहते हैं और 7 × 14 = 21, ये 7 केंद्रों से 3 गुण से तमोगुण रजोगुण सतोगुण से सबको अपनी ऊर्जा प्रवेश करते देते हैं। जो तमोगुण में हैं, जो आलसी हैं, निद्रा है जिनको, जो रोगग्रस्त हैं उनको समझिए वो तमोगुणी, मैंने वो तमोगुण में आश्रित हो गए हैं, तो उनकी वो रोग को आरोग्य करके आनंद में बदल देते हैं, जो दुख था उसका वो आनंद में बदल जाता है। रजोगुणी जो अहंकार था कि हम जानते हैं वो मिट जाता है और वो शुद्ध चित्त चैतन्य में हो जाता है, रजोगुण चैतन्य में हो जाता है, और सतोगुण से जो आई एम नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ बोल के जो आप साष्टांग हो जाते हैं, साष्टांग होने में दो फायदा है, ड्यूटी नौकरी चाकरी सारे रहते हैं साष्टांग, एक तो सोना भी तो आराम भी तो हो जाता है, इसलिए कभी कभी साष्टांग के अगर बगल लोग देखता भी है कि कोई देख तो नहीं रहा है कि एक घंटा कम सोए हुए हैं, कोई उठा भी देता है कि भाई बहुत हो गया क्या, समझे? तो ऐसा नहीं, साष्टांग माने आई एम नो नथिंग, ये बात हमेशा रखिएगा। आध्यात्मिक जगत के लिए सबसे बड़ी चीज़ है शरीर को समर्पित कर देने का, मतलब है कि आई एम नो नथिंग, यानी मैं कुछ भी, ठीक भाषा समझ में आ रही है? आई एम नो नथिंग, हे प्रभु, हे सदगुरु, मैं आज तक मैंने जो भी जाना कुछ भी नहीं जाना, अगर जाना होता तो जिंदगी में दुख काय को है, जानने वाले तो कभी दुखी नहीं होते, जानने वाले के पास जब जाते हैं वो मस्त रहता है, चाहे जो कोई भी रहे जानने वाले हमेशा मस्त रहते हैं, और नहीं जानने वाले चाहे कितना ही मस्त होने का कोशिश करते हैं, चेहरे से तो थोड़ा देर उस मस्त के साथ मस्त हो जाते हैं लेकिन अंदर पस्त रहते हैं, उदास रहते हैं, तो झांक लेता है, देख लेता है। इसलिए तमोगुणी मैं जो होंगे जिनको दुख कष्ट ये सब है वो जब भी आनंदित होंगे, आनंदित होकर के जब याद करेंगे तो वो जो तमोगुण का जो प्रभाव है वो भी मिट जाएगा और जो बाधा विघ्न है वो भी मिट जाएगी, जो अस्वस्थता है वो स्वस्थ में बदल जाएगा, रजोगुण का जो अहंकार है कि हम जानते हैं वो मिट जाएगा और एक अनुभव आ जाएगा कि नहीं जो हमने जाना इतना ही नहीं कुछ और नहीं, और सतोगुण में ये हो जाएगा अगर कुछ और है तो वो सिर्फ सर को झुकाया कि नजाकत हो गई और आज तक जो ख्वाब थी हकीकत हो गई, सर को झुकाया कि नजाकत हो गई और आज तक जो ख्वाब थी, तो वो सिर्फ ये फिजिकल सर नहीं झुकाना है, फिजिकल सर तो हम लोग फिजिकल
शरीर का सर झुका देने से ये कई लोग का आदत हो गया है, वो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं, फिजिकल माने साष्टांग हो जाते हैं, नहीं ये अंदर से, ये तो दिल से उसका दीदार होता है, क्या समझे मतलब, तो दिल से आपको झुक जाना है, दिल से आपको स्वीकार कर लेना है कि हमारा जो भी जानना है अभी जानना नहीं हुआ, जो भी हमने सुना अभी सुनना नहीं हुआ, सुनने में संदेह है, सुनने में संदेह है, जानने में संदेह है, और ये संदेह दुख का कारण है, इसीलिए संदेह मिटाने के लिए ये तीनों चीज़ को समर्पित कर लेना है। सत्कर्म के जरिए एक चीज़ समर्पित होता है, हमारा स्थूल शरीर समर्पित होता है, सतनाम के जरिए, सतनाम है नाम संकीर्तन के जरिए, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी जो ज्ञान के जो उधार ज्ञान का जो अहंकार है वो समर्पित हो जाता है, क्या सत्यनाम के जरिए, सत्कर्म के जरिए, जो हम बहुत कर्म करते हैं वो कर्म का अहंकार मिट जाता है सत्कर्म करने से, मतलब इस, लेकिन सत्कर्म कहाँ, सद्गुरु के दरबार में जो सेवा का काम आप करते हैं, जब उन्हीं को चिंतन करके जो कार्य आप करते हैं, यही नहीं कि वो दरबार ही उनका है, होल यूनिवर्स पूरा विश्व ही उनका है, जहाँ भी आप हैं, अब आपके साथ वो है तो आप जहाँ हैं वहाँ नहीं है वो, तो आप गृहस्थ आश्रम के तो वहाँ भी वो है, तीनों हर आश्रम में वो है, समझ आ रही मतलब, तो सत्कर्म कर, सत्कर्म से हमारा जो स्थूल शरीर है वो शुद्धिकरण होता है, और सतनाम से हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे जो विचार धारणा है, हमारी जो अनुभव की कि हम सोचते हैं बहुत जान लिए, बहुत सुन लिए, हैं कि राम की मेहरा सीता है, भाई लक्ष्मण जी है, अरे इतना जाने से हो जाएगी, कैसे अगर इतने जाने के तो राम के तो देख ले का जीवन का उनका, वो दुखी तो वह दुखी हो जाए, तो बहुत आनंद है, तो इसीलिए तो सत्कर्म करते करते सतनाम होता है, सत्कर्म करते तो सत्कर्म बहुत कर रहे हैं, दान पुण्य जो भी आपका बन पड़े, यहाँ नहीं जहाँ भी कोई दुखी को देखे गरीब को देखे, दान का मतलब ऐसा दान मत पकड़ लीजिएगा कि दान बेटी वाला, जहाँ भी कोई गरीब को देखे, जो असहाय को देखे, उनको मदद कर देना, दान कई तरह का होता है, शरीर से मदद कर दे, धन से मदद कर दे, अगर आप क्षमता है तो सत्कर्म, ये सत्कर्म सत्कार्य, फिर नाम संकीर्तन में शामिल हो जाना अगर समय मिले तो गृहस्थ कार्य से, तो सत्कर्म करते करते सतनाम होता है, सत्कर्म करते करते सतनाम होता है, और सत्कर्म सतनाम होते होते फिर सत्का संग होता है, कभी कभी सत्का संग होता है, नहीं ऐसा पागल मिलता है, आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई ना, वही भी मुलाकात बहुत दिन के बाद, वो दो का परिणाम आज है ये तीसरा, और इत्तेफाक से मुस्लिम भाइयों का आज जुम्मा है, बहुत आनंद है, और सब हमारे हैं, वो पांच टाइम का नमाज पढ़ते हैं, पांच टाइम का मतलब पंचभूत को संजीभूत करने के लिए, अमन सुमन सुमन विमन और मन, हर मनुष्य के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध पारसी, हर मजहब के अंदर ये पांच मन काम करता है, अमन सुमन कुमन विमन और मन, हम शुरू हो गए, हमारा बिना स्पीकर के स्पीकर है ना, हाँ तो कोई बैटरी और ये खर्चा करने का नहीं मिलती, ये तो स्टैचू हो गया यहाँ हिंदी रहा आपने, अरे बीच में जो थोड़ा आनंद भी चल रहा, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो, वो हम ही करेंगे, हम कब छेड़ देंगे आनंद का तरंग, आपको नहीं पता, अपने आप है आप करोगे बस, वो सब बोले अरे हुआ क्या इसको, लेकिन हम तो सीरियस है भाई, हम तो नहीं हंसे, बहुत बहुत आनंद है, सही आनंद है, इसलिए आनंद का तरंग निकलते साथ आप लोग को करके मारता है, करने लग जाते हैं तो बाकी लोग बता रहे तो आउट ऑफ शिष्टाचार, कोई शिष्टाचार नहीं, सब आचार्य आचार्य कर दो, तो सत्कर्म करते करते सतनाम होता है, और सत्कर्म सतनाम करते करते सत्का तब सद्गुरु का संग होता है, तो अगर ऐसा मत सोच लेना जी सद्गुरु का संग क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब सत्कर्म और सतनाम कहीं कमी है, कहीं कमी होगा तभी ना सत्संग नहीं हो पा रहा है, ऑडियो वीडियो में तो हो जा रहा है, लेकिन लाइफ में जब आप, हाँ जब आप सत्कर्म करते हो तो उसकी स्थूल शरीर जो है जवनता को प्राप्त होता है, जब आप सतनाम करते हो तो उसके सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिलता है, उसको इसका ऑटोनिक है, आप जब नाम करते हो आपका जो भाव है, भाव का भूखा हूँ, अब तो अरे गा के नाम सुना है हारमोनियम, बताओ ना हारमोनियम भैया है, अब हर चीज गा के ही सुनवा, हाँ ऐसा नहीं सुनो, ना सुर है ना ताल है, फिर भी सारा महफिल बे बजाओ रे,
नहीं पढ़ना अरे आज आप लोगों के साथ आनंद करने आए हैं, बहुत दिन से आप लोगों के साथ आनंद आनंद पहला चरण अगर आनंद का हृदय में अगर आनंद आ जाए, आनंद का मतलब ओपन द हार्ट, आनंद का मतलब है इंग्लिश बोल गया ना, क्या करे सब कुछ लगता है इंग्लिश आकर तू इंग्लिश ही बोलता है बहुत आनंद ठीक है। कब किसका कौन सा बात छू जाता है, आप लोग इस तरह मुझे छूती हैं भाई, अदृश्य है कभी इसका भी, अब तो साइंस बहुत इंप्रूव कर गया है, कभी इसका भी मशीन निकलेगा कि उधर मशीन लगा रहेगा और आप स्क्रीन में देखते रहेंगे कि मेरी तरंगे कैसे आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपकी जो विषाक्त तरंगे हैं वो कैसे उससे प्यूरीफाई हो रही है। अब तो मैं चाहता हूँ कि विज्ञान और तरक्की करे कि सच्चाई छुपे ना और झूठ टिके ना, इस तरह विज्ञान तो इतना तरक्की कर गया कि अब झूठ नहीं टिकेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि ऑडियो वीडियो सब निकल गया है, जो नकली निकल गए हैं, सदगुरु और झूठे गुरु में फर्क प्रमाण हो जाएगा, और कथावाचक और मुक्त पुरुषों में प्रमाण हो जाएगा। कथा ही है, कथा क्या है, कथा सुना था और कथा वो भी कथा है बाबू जो तू कराता है कभी कभी पान के साथ, ठीक है ना, क्या करा ना ज्यादा ना बोलत करे वो समय बोलत कथा होना चाहिए ठीक है, लेकिन कथा व्यथा ना, कथा माने कल्पना, चैतन जलते दिए से दिया जलता है, बुझे दिए से कभी दिया जला, बुझे दिए से अगर दिया जलाने का कोशिश करोगे क्या समझे, तो जो भी हुए थे अब वो नहीं रहे, वो बुझ गए। अगर वर्तमान में कोई ऐसा दिया जलता हुआ हो और वो दिए पर अगर, और वो दिए में क्या करना पड़ेगा, वो दिए तो अपनी जगह रहता है, हमको जाना पड़ता है और अपना दिए को लेके कुछ करना नहीं पड़ता है, बस उसे स्पर्श कराना पड़ता है, अपने आप लोग उसमें जम कर जाता है, जाता है। और एक दिए से स्वस्थ दिए जल जाते हैं, इसी तरह सदगुरु जो है जनता पर जाता है, स्वीकार मन से समर्पित होना मानो उसकी ओर जाना, बुद्धि से समर्पित होना है जनता भाई पूर्ण थिंग बोल के दिया को झुकाना, और अहंकार से यानी मेरा जो जानकारी वो कुछ नहीं इसलिए आपकी जानकारी को ग्रहण करना, उससे लॉ लेना, कैसा रहा वेरी साइंटिफिक वेरी लॉजिक वेरी प्रैक्टिकल। अब ना समझ आए तो कोई जरूरी ना, हर बात समझे से ही हुई, अब प्यास लागल रहे तो पानी के समझ के पिया कि गड़गटा के पिया, बस अब समझ जा, अब प्यास लागल अब अरे वाह बाबा कौन बात कितना भाषा बोल लिया ले, क्योंकि सबके बा बाबा अब प्रमाण हो गए कि बाबा सबके बा, इन्हें कहना कह दिया इंग्लिश वाले के बा, बहुत आनंद असल बात है। आजकल ज़्यादा समय अपने में मगन रहते हैं और एकांत में हमारे कुछ भक्त प्रेमी हैं जो लोग हमारे वीडियो ऑडियो वीडियो बहुत से लेक्चर आ रहे हैं जो आप लोग के पास में आप लोग को भजन के बाद में प्रवचन के बाद में देखने या सुनने मिलता है, या जो लोग ग्रहण ले गए हैं है ना और अपने घरों में देख रहे हैं ऑडियो वीडियो, तो सब क्या होता है कि वो मास में वो सब व्यवस्था नहीं रह पाता है, तो इसलिए वो एकांत नहीं हो पाता है, तो इसलिए एकांत में अब ज़्यादा काम हो रहा है और विश्व के लिए काम हो रहा है। एकांत में एक कांत करके और अनंत में हो जा रहे हैं, एकांत का हमारा दूसरा अर्थ है, एकांत का मतलब एक का। हाँ, ये जो एक है ये एक अपने को अंत कर देता है और अनंत में समा जाता है, अरूप में भी मैं स्वरूप में भी मैं, ऐ बता कि कहाँ नहीं मैं, स्वरूप में मैं एक हूँ और रूप में मैं अंत हूँ अनंत हूँ, एको अहं बहुश्याम, एको अहं पकड़ में आ रही भाषा, अच्छा ना समझ आए कोई बात नहीं, शब्द ब्रह्म है, बीज कान पड़ जाए हृदय में वो अपनी फलीभूत होगा अपनी कार्य होगा, बहुत आनंद है तो आज बहुत आनंद है, आज ये भी कहने को नहीं रहेगा कि बाबा जी का जीवन रोज